एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है भाव बीज, तो अभी जा रही हूँ मैं अपने भाइयों के घर पे, भाई के घर पे। तो दूसरा भाई भी इधर पे आने वाला है। घर में सारा काम हो चुका है और यहाँ से सही बोला था चंदन ने कि यहाँ से बहुत अच्छा ग्लो आएगा। अजय बहुत अच्छा ग्लो आ रहा है, देखो बहुत अच्छी लग रही हूँ मैं। और मैं अजय से बोल रही हूँ, वो भी साथ में चले, लेकिन अजय जा ही नहीं रहे हैं। अजय को यहाँ पर कहीं जाना है, कोई बुलाया होगा, मेरे साथ नहीं आएंगे। साथ में चलते तो साथ में हम लोग जल्दी जाके जल्दी आ जाते हैं। और आयुष्मान अभी तक सोया हुआ है। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और जा रही हूँ। मैंने ये गाउन पहना है, पर्स हमेशा की तरह ये वाला लिया है और चप्पल वही पहनती जाऊँगी। चप्पल पहनू क्या दूसरा वाला, नया वाला? नहीं जाने दे, जानते वही पहन के जाते हैं। क्यों ऐसे प्रेस भी नहीं किया गाउन को, मैंने पैसे पहन लिया है। अजय को बोल रहे थे चलने के लिए, लेकिन अजय खुद ही अकेले भाग रहे हैं। देखते हो स्टेशन छोड़ेंगे। लवी ने भी धमकी दिया है तो पता नहीं स्टेशन तक शायद छोड़ दें मुझे। गणपति बप्पा और माता रानी के दर्शन कर लीजिए सभी लोग। मैंने भी कर लिया है, पैर पढ़ लेती हूँ पहले। तो अपनी बेटी की बात तो सुन लेते, किसी की सुने चाहे ना सुने उसकी सुनते हैं। तो इसलिए मुझे छोड़ रहे हैं, ले जाके स्टेशन छोड़ देंगे। उसके बाद वहाँ से मैं ट्रेन पकड़ूंगी और चली जाऊँगी। ट्रेन भी पकड़ लिया है मैंने। और अभी मम्मी के घर पे पहले नहीं जा पाऊँगी, रीता के घर पे जाऊँगी। फिर वहाँ से मुझे शॉपिंग भी करनी है। यहाँ शॉप पे आ गई थी मैं, लेकिन मेरा भाई बोलता है नहीं, मुझे मॉल से कपड़े लेके आना। स्टेशन के आसपास में बहुत सारी शॉप्स हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टी शर्ट वगैरह मिलते हैं, शर्ट वगैरह मिलते हैं। तो उसने बोला नहीं, मुझे मॉल से ही लाना। तो मैंने मेरी बहन को कॉल कर दिया था, वो आ गई थी स्टेशन। वहाँ से हम लोग फिर चले गए मॉल। पहली बार आ रही है तो अलग है, घुसते अंदर है। तो अभी हम लोग आ गए हैं मॉल पे आ गए हैं, क्योंकि भाई लोग के लिए कपड़े लेने। तो भाई लोग थोड़ा हाई फाई हो गए, हम लोग टेंशन नहीं पैसा आज ये लोग लूटने वाले हम लोगों को। मैं तो पहली बार आई हूँ, पर रीता हमेशा आती रहती है, लेकिन एक नंबर की भुलक्कड़, उसको कुछ भी याद नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे आने के बाद में हम लोग ढूंढने लगे, इससे उसे पूछ रहे थे जूडियो कहाँ पे है। तो वहाँ जूडियो में जाके हम लोगों ने शॉपिंग की। बाबू दो ढाई महीने का, चार महीने का हम लोगों को। हमारा बाबू कितने महीने का है वो भी याद नहीं था मुझे, रीता से मैंने पूछा। और इतना टाइम लेट हो गया ना हम लोगों को शॉपिंग करते करते, कि सुनील बार बार चिल्लाने भी लगा था कि जल्दी आओ जल्दी आओ। तो हम लोगों को भी भूख तो बहुत ज़ोरदार लगी है, पर रीता को भी यहाँ पर वीडियोस बनवाने हैं, क्योंकि इसके घर वाले आते हैं तो यहाँ पर वीडियो बना के जाते हैं। चक्कर आता है समझी, बस में नहीं बैठेंगे। तू बैठेगी तो जा बैठ, बैठ तेरा फोटो खींचती, जा बैठ, तेरा फोटो खींचती हूँ। रीता भी थक गई, मैं भी थक गई, हम जा रहे घर पे। बाल तो खोल लिया मैंने, बाहर बहुत गर्मी लग रही है, चूड़ल जैसी हो गई हूँ। लिपस्टिक हम लोगों ने इसमें लगा लिया है, स्नैपचैट पे वीडियो बना रहे हैं हम लोग, इसलिए लिपस्टिक लग गई नहीं, तो हम लोग चुड़ैल लग रहे एक नंबर के। तो वहाँ से हम लोग आ गए रीता के घर पे, क्योंकि रीता को चेंज करना था। लेकिन मुझे बार बार बोल रही थी, तू इतनी गंदी लग रही है तो मैं क्यों चेंज करूँ, बहुत मजाक उड़ाती है मेरा। वैसे भी मेरी ज़िंदगी मजाक बन गई है, क्योंकि हम लोग अभी मॉल में जब कपड़े ले रहे थे तो मेरे बैंक सर्वर ने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया कि वहाँ सबके सामने मेरी इंसल्ट हो गई, चल ही नहीं रहा था, पेमेंट हो ही नहीं रहा था। बाद में रीता ने पेमेंट किया, मैंने आके बाहर उसको दे दिया है, लेकिन वहाँ पर तो मेरी इंसल्ट हो गई ना। फिर यहाँ पे आरुषि पीछे पीछे घूम रही थी कि उसको भी जाना है, उसको कैसे भी पट्टी पड़ा के फिर हम लोग यहाँ पे आए। साइमन रेसिडेंसी को बोलना पड़ेगा, भाड़ा तो दे दे रहे तुम लोग, तीन चार से भाड़े लग गया देंगे। वो खुद 1600 भाड़ा डाल के आया है, 1600 नहीं, हाँ 1600 हो जाएगा, 800 आने का, 800 जाने का, हम लोग क्या गारंटी ले उसके भाड़ा का, खुद भाड़ा दे। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मम्मी के यहाँ जब भी जाऊँगी तो प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी, पर अच्छे से बना नहीं पा रही। और ये पहाड़ी का मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि ये पहाड़ी है जुदानी माता वाली, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये बड़ा सा कॉरिडोर है और ये आ गई गंगा। जैसे दरवाज़ा खोलती है पैर पे तुरंत गिर पड़ती है। कितनी बार मना किया है कि नमस्ते सिर्फ कर लिया करो, लेकिन पैर पड़ना भैया, खुश रहो, आबाद रहो। देखो पड़ा भैया, आया बजे आ गया तू? 11 बजे तो मैं भी पहुंच गई थी, लेकिन शॉपिंग करने में लेट हो गया। और ये आ गया मेरा हीरो नंगू धड़ंगू, मालिश करवा रहा था अभी, मम्मी ने मालिश किया इसको, इसलिए नंगू पंगू है। और यहाँ पर देखो हम लोग आए बैठे इकट्ठा हुए, तो मेरी भाभी इतनी दुष्ट है, मेरे भाई को माचिस बोलती है, नाग बोलती है, पता नहीं क्या 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 बोलती है। भगवान कैमरे के सामने, वो क्या सामने बैठा है काले शर्ट में, माचिस उधर बैठा काले शर्ट में, हे भगवान कुछ भी बना दिया मेरे भाई को। कैसा है मेरा भाई बेचारा, सब सह ले रहा है। भगवान मेरे भाई को शक्ति देना।
और यहाँ पर अभी हम लोग भाव बीज कर रहे हैं, वीडियो बनाने का काम पूजा ही कर रही है, तो थोड़ा मस्ती कर रहे थे हम लोग सभी लोग, पूजा भी मस्ती कर रही है साथ में। लेकिन मेरे भाई को मेरे अलावा ऐसा कोई बोले तो वो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करे, भाई को पसंद है ना तो सुनेगा बेचारा। और अभी बाबू का भी मैंने कर दिया है, क्योंकि बाबू की बहनें नहीं आई थी तो बाबू का भी पहले करना पड़ेगा ना, बाबू का फर्स्ट है, फर्स्ट भाव बीज है, फर्स्ट रक्षाबंधन था, तो रक्षाबंधन पे तो उसकी बहनें आई थी, बस इस पे नहीं आ पाई है क्योंकि बिजी हैं सभी लोग, तो मैंने बोला मैं ही कर देती हूँ। और मेरे बाबू का इंस्टा पे अकाउंट है, तो जाके सभी लोग देख लेना मेरे बाबू के अकाउंट को और फॉलो करना मेरे बाबू को, क्योंकि मेरे बाबू के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते हैं उस पर। बनाया पूजा नहीं है पर बाबू का अकाउंट है, तो प्लीज़ मेरे बाबू को फॉलो करना सभी लोग। और अभी मैंने बाबू के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लिए हैं, पर पता नहीं वीडियो नहीं बना पाई मैं उसका शायद, क्योंकि भूल जाती हूँ, आप लोगों को पता ही है। पर पूजा को मैंने बोला है कि जब भी पहनाएगी कपड़े तो बाबू का वीडियो बना देगी और मुझे भेज देगी या फिर इंस्टा पे खुद ही पोस्ट कर देगी, तो मैं वहाँ से लेके आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है मेरा बच्चा, उसके साथ में मैं टाइम ही नहीं बिता पाती हूँ, जब भी जाती हूँ जल्दी जल्दी भागना रहता है, कभी भी ऐसा रहता नहीं है कि हाँ जरा दो चार दिन उसके साथ में रह जाऊँ, बहुत अजीब लगता है, ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा अकेले बड़ा हो रहा है अपने आप, कोई है ही नहीं उसके साथ में, मैं नहीं हूँ ना तो कोई नहीं है, ये लोग पता नहीं कैसे संभालते हैं वो मुझे नहीं मालूम, बस मेरा होना ज़रूरी है पर मैं नहीं हूँ वहाँ पर, मेरा राजा बेटा मेरा सोना एकदम शांति से बैठा रहता है, हम लोगों को जैसा लगता है कि मुझे नहीं पहचानता, बाकी सबको पहचानता, सबसे बातें करता है, बस मुझसे बातें नहीं करता है, सबको जानता है, पर ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ़ होती है मुझे इस बात से कि मेरा बच्चा मुझे नहीं पहचानता है, मम्मी को कैसे चिपका हुआ है, मम्मी ही उसके लिए सब कुछ है, मेरे आस पास रहता तो मैं भी उसके लिए सब कुछ होती, अभी मुझे जान ही नहीं रहा है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है मेरे लिए, हाँ रीता को जानता है, गुड़िया को जानता है, बस मुझे नहीं जानता, ऐसा क्यों करता है मेरे साथ में ये, इसका पप्पा, इसका बड़ा पप्पा, इसकी छोटी बुआ सब मुझे चिपके रहते थे। क्या मतलब? ताला? ताला गंगा है वो। ये ताला है ये। तो अभी भाव बीज करके हो गया है, मेरा हो गया है, ये लोग का बाकी है, कपड़े मैंने दे दिए हैं कि नहीं दिए पता नहीं, वीडियो नहीं बना पाई शायद, तो अभी रीता कर लेगी, उसके बाद गुड़िया करेगी, फिर गुड़िया और मैं चले जाएंगे, क्योंकि गुड़िया भी जा रही साथ में, बाय गाइस, उसके पार्टी में जाना है, पूजा बाय गाइस, बाय 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 गाइस, बाय 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 मम्मी, बाय ला दे मेरे को हाथ में, जब भी मैं आती हूँ गुड़िया कुछ ना कुछ मुझे देती है, इस बार कान का दिया, पिछली बार पायल दी थी पर मैंने पायल अभी तक पहना नहीं, गोवा से जलाई थी, ये देखो फुल कंटेंट पता है इनको। हेलो गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस, कैसे हैं आप सब, आई होप आप ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। और गुड़िया ऐसी दिखती है गाइस, गांव में थोड़ी अलग दिखती है, इसीलिए इस फोन को पटक के फेंकने का तोड़ना है। तो गुड़िया अभी सुंदर लग रही है, गांव में गाली हो गई थी मेरी बहन, बर्तन माँज माँज की सती हो रही थी, आ जा जा रहे घर पे, गुड़िया जाएगी मलाड, मैं जाऊँगी बोली बोली, मम्मी आई छोड़ने के लिए, सबसे मम्मी बहुत पहलवान है, मैं तो छोड़ने आई है, चल बाय मम्मी बाय, तो अभी स्टेशन पहुंच गए हैं और बहुत भीड़ है, तो गुड़िया गई है टिकट लेने के लिए मेरे लिए, गुड़िया के पास तो पास है पर मेरे लिए टिकट लेना है, और प्लेटफॉर्म पे भी आ गए हैं तो ट्रेन दूसरी लगी हुई है, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, स्टेशन पहुंच गए हैं गाइस, और हम लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं गाइस, और खुद के बाल दिख रहे हैं गाइस, अभी जाने वाले ट्रेन तक आई नहीं गाइस, इसलिए हम लोग रुके हुए गाइस, पहुँच गए गोराई में पर गुड़िया को जाना है मालवनी, हम लोग यहाँ पे ऑटो का वेट रखा है, बुक किया तुमने ऊपर ऑटो बुक किया है गुड़िया ने, तो भी आ रहा है, टाइम लग रहा है, बस लग रहा है ना बैठे के कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ वहाँ से, कब की आ चुकी हूँ, अभी नहीं आई हूँ, काफ़ी टाइम लग रहा है, और आने के बाद में खाना वगैरह खा भी लिया है, और अब जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि बहुत थक गई, इतनी थक गई हूँ, और सबसे बड़ी बात आज इंडिया पहुँच गई है फाइनल में, वर्ल्ड कप के फाइनल में, तो उसकी भी बहुत खुशी है, पर इतनी थक गई हूँ कि अब ऐसा लग रहा है बस बिस्तर में जाऊँगी और सो जाऊँगी, और कुछ नहीं कर सकती, बहुत घूम लिए, मॉल वगैरह सब जगह गए, घर पर गए,
रीता के घर पे गई, सब घूमे हम लोग, इतनी देर थक गई ना, जब सर पकड़ूंगी तो सुबह से पहले नहीं, तो चलिए चलते हैं, सो जाती हूँ, बाद में आप लोगों से बाय। और ये देखो मेरे आने के बाद में रीता के साथ में कितने अच्छे से खेल रहा है। ये वीडियो मुझे उसने जलाने के लिए भेज दिया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छे से खेल रहा है इसके साथ में, बस मुझे ही नहीं जानता है। और आए हम लोग यहाँ पर गोराई में पहुँचे तो एक हादसा भी हो गया मेरे साथ में। एक कार वाला मुझे उड़ाने की कोशिश कर रहा था, बार बार मेरे ऊपर ही ला रहा था, चढ़ा रहा था, और मैं उसको जब चिल्ला रही हूँ तो मुझे देख देख के हंस रहा है, पता नहीं क्या हंसी आ रही थी उसको। फिर मैंने बोला ठीक है भाई चल मार डाल, आजा तेरे अंदर दम है तो मार डाल, पर फिर चला गया। जब मैं चिल्लाने लगी तो भाग गया। ऐसे क्यों करते हैं, बड़ी गाड़ी में बैठे रहते तो उनको सामने वाला कोई कुछ लगता नहीं है क्या? सामने लो वाले लोग सब कचरा लगते हो लोग को, पर जान तो हटाओ। ऐसा तो मेरे साथ में हमेशा होते रहता है। ये लड़का भी मेरे साथ ऐसे ही कर रहा है, सबके साथ खेलता है, सबके साथ खुश रहता है, बातें करता है, बस मुझे ही नहीं जानता है। मुझे बहुत बुरा लगता है ऑगी, अच्छा नहीं लगता है मुझे। सब वीडियो देख लेना तू, ध्यान से देखना, समझा?